चालाक, धोखेबाज या सेल्फिश लड़कियों की पहचान क्या होती है? देखो, ये सी लड़कियां जो है ना, वो इजीली अपना टारगेट जो है शरीफ बंदों पे लगाती है। वैसे इंसान, वैसे लड़के जो दिल वाले होते हैं, वो दिल से बातें करते हैं, वो किसी लड़की के इमोशंस के साथ नहीं खेलते। बेसिकली ये इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं लड़कियों पे, और हाँ, उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। अक्सर लड़कियां वैसे साफ दिल वाले और सच्चे दिल वाले लड़कों के साथ ज्यादा खेलती हैं, उन्हें ही टारगेट बनाती हैं। अगर आप इमोशनल हो तो लड़कियां ज्यादा से ज्यादा आपकी इमोशन के साथ खेलती हैं, सेल्फिश होती हैं, और ऐसी लड़कियां आपको धोखा देती हैं। अगर ऐसी लड़की है आपके कांटेक्ट में, या फिर आपको लगता है आप पहचान करना चाहते हो, तो मैं बताऊंगी कि किस तरीके से आप उसे पहचानोगे, ताकि आप ऐसी लड़कियों से बच पाओ और आपका दिल ना टूटे। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त और की लव होस्ट आरोही, जो आपकी सारी लव लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती हूँ। तो इसके लिए प्लीज चैनल के साथ जुड़ जाए और वीडियो को भी लाइक करें, क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लाती रहती हूँ। तो सेल्फिश लड़कियों की पहली पहचान होती है कि वो आपसे मतलब से ही बात करेगी। जब मतलब हुआ तो आपके पास आई, जब मतलब नहीं हुआ तो आपसे दूर चल गई। टाइम पास का मतलब ये होता है कि जहाँ से उसको बहुत ज्यादा इंटेंशनली प्यार नहीं मिलता, और आपको अब उससे आपकी जरूरत है, क्योंकि जानती है कि वो तुम सच्चे हो, अपने इमोशंस उस पे लगाते हो, उससे झूठ नहीं बोलते। तो इसीलिए वो तुमसे टाइम पास करने के लिए ही आएगी, तुम्हारे इमोशंस का फायदा उठाने के लिए तुमसे बात करती है। कभी बात करेगी, कभी बात नहीं करेगी, और तुमसे बहुत सारे झूठ बोलेगी, और झूठ ऐसा बोलेगी कि तुम पहचान नहीं पाओगे। तुम्हें लगेगा कि वो बिजी थी, क्योंकि वो मुझसे झूठ नहीं बोलती। ऐसे ही लड़कियों की पहचान होती है कि वो जल्दी से अपने क्लोज नहीं आने देगी तुम्हें, यानी कि सारी बातें तुम्हें नहीं बताएगी, वो घुमा घुमा के बातें बताएगी, पूरी डिटेल नहीं बताएगी कि हाँ, मेरी फैमिली बैकग्राउंड ये है, मैं अपना रूटीन है जो मैं ऐसे फॉलो करती हूँ, मॉर्निंग टू इवनिंग मैं क्या क्या करती हूँ, कभी नहीं बताएगी। बेसिकली वो हिडन रहना चाहती है, और हिडन रहते हुए तुम्हारे साथ खेलना चाहती है। वो झूठ बहुत बोलेगी, उसका नाम कुछ और होगा, वो बोलेगी तुम्हें कुछ और। बेसिकली वो अपना क्लियर एड्रेस किसी कभी नहीं बताएगी, और हाँ, तुम्हें तड़पाएगी जरूर, कभी बात करके, कभी बहुत क्लोज आके, कभी बहुत दूर जाके। नेक्स्ट होता है कि वो तुमसे डिमांड करेगी। डिमांड, ऐसी डिमांड जिसे तुम पूरा अगर नहीं कर पाओ तो वो तुम्हें कुछ भी सुनाएगी कि देखो, तुम ऐसे पूरे नहीं कर पा रहे हो मेरे डिमांड, आज तुम ऐसा कर रहे हो, वैसे कर रहे हो। वो तुम्हारी सिचुएशन को नहीं समझेगी कि तुम्हारे पास पैसे हैं या नहीं है, वगैरह वगैरह, क्योंकि तुम उसके लिए जस्ट एक एटीएम कार्ड हो, तुम उसके लिए एक कैश काउंटर हो, जहाँ से वो हमेशा कैश या फिर अपनी जरूरतें लेके जरूरतें पूरी करेगी। तो ऐसी लड़कियां बहुत ज्यादा घूमने में और एक्स्ट्रा वेजेंट बहुत सारे खर्चे करती हैं, और तुम्हारी पॉकेट के बारे में या तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचेगी, वो सिर्फ तुम्हें खर्चे का सोर्स और अपनी इंजॉयमेंट का सोर्स समझती है। नेक्स्ट है कि उस लड़के का मल्टीपल रिलेशनशिप होगा। देखिए, रिलेशनशिप में वो किसी के साथ कमिटेड है या नहीं ये बात तो नहीं पता, बट हाँ, वो बातें सबके साथ कर रही है। वो तुम्हें भी कहती है कि दैट आई लव यू, एंड वो उसे भी कहती है कि आई मिस यू। तो अगर ऐसी लड़की तुम्हारे साथ है जिसके मल्टीपल रिलेशन रह चुके हैं, या फिर अभी भी वो मल्टीपल रिलेशनशिप में है, घूमती है, बहुत सारे लड़कों से बात करती है, यानी कि वो एक पे टिक के नहीं है, वो किसी से एंगेज नहीं है, वो तुमसे भी एंगेज हुई है, वो सिर्फ अपना फायदा उठाती है, यही सेल्फिश लड़कियों की निशानी होती है। नेक्स्ट है कि सेल्फिश लड़कियां तुम्हें बहुत ज्यादा ब्लॉक करेगी। ब्लॉक इसलिए क्योंकि पता है ना कि तुम लॉयल हो। पहले तो वो तुम्हारी लॉयल्टी को जीतेगी, तो चेक करेगी कि हाँ, ये बंदा लॉयल है, मेरे से लॉयल रह जाता है, धोखा नहीं देता। उसके बाद टारगेट जब सेट हो जाता है कि हाँ, ये धोखा नहीं देने वाला, तो कुछ कुछ झगड़े करके, या फिर उसे तुमसे 3 या 4 दिन बात नहीं करना, या तुमने उसे कुछ दिया नहीं जो उसने मांगा, तो वो तुम्हें ब्लॉक कर देगी, दैट्स इट। या फिर तुम उससे कुछ जानने की कोशिश करोगे तो वो कहेगी कि तुम मुझ पर शक कर रहे हो, तो लो मैं तुम्हें ब्लॉक कर देती हूँ। ये ब्लॉक अनब्लॉक का खेल वो करेगी और तुम्हें तड़पाएगी। ये निशानी होती है सेल्फिश वाली लड़कियों। गलती होने पे सॉरी बोलना, लेकिन सिर्फ तुम्हारी ही गलती देना और तुमसे ही सॉरी बुलवाना कि तुम ही गलत हो, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुम अच्छे इंसान नहीं हो, सॉरी बोलो। देखो, हर बात पे तुम्हें अगर वो अपने पैरों पे रखती है, कदमों पे गिराना चाहती है, बिना तुम्हारी गलती के भी सॉरी बुलवाती है, तो ये उसका प्यार नहीं है, ये सेल्फिश और धोखेबाज होने की निशानी है। तो इन चीजों से बच के रहो, इन लड़कियों से थोड़ा बच के रहो। अब इससे कैसे, अगर आप पहचान कर लेते हो तो क्या करना चाहिए? देखो, सेल्फिश लड़कियां ना काफी धोखेबाज और मतलबी होती है, वो तुम्हें परेशान भी कर सकती है। इसलिए अगर उससे डिटैच होना है तो स्लोली डिटैच हो, ज्यादा कनेक्शन उससे नहीं रखो, अदरवाइज वो तुम्हें फंसा भी सकती है।
कनेक्शन नहीं रखने का मतलब होता है धीरे 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 डिटैच होना, सडनली उसे नहीं छोड़ना। अपनी सारी फोटोज या फिर डिटेल अगर तुमने शेयर की है तो प्लीज उन चीज को अगर बैकअप कर पाओ तो कर लो, या फिर डिलीट कर पाओ तो करो, सडनली नहीं छोड़ना, क्योंकि लड़कियां खतरनाक भी होती हैं, तुम्हारी लाइफ और इमोशंस को, इमेज को डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। होप सो कि आपको ये सारी टिप्स काफी अच्छी लगी होगी, अगर आपकी हेल्प भी की होगी तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखना, वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो मैं और इसी तरह लाऊंगी आपके लिए। थैंक यू।